इस मूवी की कहानी मूवी के हीरो को दिखाते हुए होती है जो सो रहा होता है और सुबह का ऐलान बजने से वह उठ जाता है और वह कोरल भी मंजन के साथ ब्रश होता है और फ्रिज में कुछ खाने के लिए देखता है। वह देखता है कि टेबल पर एक लेटर पड़ी है जो उसकी माँ लिखती है, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ और इसमें पैसे है, इसे लेकर मार्केट जाना और कुछ खाने के लिए राशन लाना। और वह इसे इग्नोर कर देता है, पीसी को ऑन करके गेम को खेलना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद उसके साथ वाले कुछ ऐसे कहते हैं तो ये कहता है क्या सच है या अपने शहर में हो रहा है। इस पर हीरो गेम को छोड़कर अपनी टीवी को ऑन करके न्यूज को देखना शुरू कर देता है जिसमें उसे बताया जाता है कि अपने शहर में अचानक से कुछ वायरस फैल गए हैं जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और दूसरे को भी काट कर ज़ॉम्बी बना रहे हैं। हीरो के फोन पर मैसेज आता है जो उसे बताया जाता है कि अपने शहर में तेजी से ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है इसलिए कोई भी बाहर न जाए और दरवाजे को भी ना खोले। अब हीरो जब बाहर देखता है तो उसे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और ज़ॉम्बी लोगों को काट रहे होते हैं। दूसरे सीन में ज़ॉम्बी से बचने के लिए दरवाजे पर फ्रिज रखकर दरवाजे को और भी मजबूत कर देते हैं। उसके बाद अपने फैमिली के पास फोन करने लगते हैं पर फोन से संपर्क नहीं हो पाता। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि माँ का होता है मैसेज जो लिखा है कि हम लोग सेफ हैं, क्या तुम भी सेफ हो। न्यूज से मालूम होता है कि अभी कुछ दिन और लॉकडाउन लग सकता है, इसके लिए घर से बाहर न निकले और निर्देशों का पालन करे। इस पर मदद के लिए हीरो मैसेज लिखकर पोस्ट करता है ताकि कुछ मदद मिल जाए। रात में वह सो रहा होता है, उससे बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है तो वह उठ देखता है कि एक लेडी ऑफिसर तेजी से भाग रही होती है जो उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बी पड़े होते हैं पर वह गन से ज़ॉम्बी को शूट करती है पर ज़ॉम्बी अधिक होने से ज़ॉम्बी उसे अपना भोजन बना लेते हैं। इस पर अपने हीरो को बहुत गुस्सा आता है तो वह ज़ॉम्बी को छोड़ने के लिए कहता है जो हीरो को ज़ॉम्बी डरावनी नजरों से देख रहे होते हैं। हीरो की आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी उसके दरवाजे पर आ जाता है, वह फ्रिज रखने की वजह से वह अंदर नहीं आ पा रहा है। हीरो फ्रिज पर जोर लगाकर रोकने की कोशिश करता है पर ज़ॉम्बी अधिक ताकतवर है जो अपने हीरो को धक्का देकर अंदर आ जाता है। हीरो जल्दी से बालकनी के ग्रिल को पकड़कर बाहर की तरफ लटक जाता है, वह ज़ॉम्बी तेजी से बालकनी की तरफ आता है, वह तुरंत ही नीचे गिर जाता है और वह तुरंत मारा जाता है। अब हीरो दरवाजे को और भी मजबूत कर देता है। अब हीरो काफी भूखा होता है तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो इसके लिए वह अपने डैड का प्रीमियम एल्कोहल को निकालकर भूख को शांत करने के लिए उसे पीने लगता है और टीवी का मनोरंजन कर रहा होता है। अब टीवी पर न्यूडल का एड चला देते हैं। अब हीरो कहाँ मानने वाला है, इस पर वह आखिरी रखी न्यूडल्स को निकालकर उसे खाने लगता है। आज इसका पेट कुछ हद तक भर गया है पर पानी अब हीरो के पास खत्म हो जाती है और नल में भी पानी नहीं आ रहा होता है। अब कुछ समय बाद हीरो के फोन में नेटवर्क आता है तो उसकी माँ वॉइस मैसेज छोड़ती है पर घर में नेटवर्क नहीं होने से वह मोबाइल बाहर करके वॉइस मैसेज को सुनने लगता है। उसकी माँ कहती है मैं तुम्हारे डैड के ऑफिस में हूँ और तुम्हारी बहन मेरे साथ में है, पर वॉइस मैसेज में हीरो को पता चलता है कि ऑफिस में भी ज़ॉम्बी आ गए हैं जो लोगों को काट रहे हैं, वह सब लोग भी ज़ॉम्बी बन रहे हैं। इस पर अपने हीरो को बहुत गुस्सा आता है, वह गुस्से में बाहर आता है, दरवाजे के सामने पड़ी एक ज़ॉम्बी को मारने लगता है। अब हीरो को और गुस्सा आता है तो वह दूसरे ज़ॉम्बी को भी मारने लगता है, वहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। अब हीरो की फट जाती है, वह तुरंत वहाँ से भागकर अपने रूम में चला जाता है। अब धीरे धीरे हीरो को 20 दिन से ज्यादा हो गया है जो उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है ना ही कुछ पीने के लिए। वह बाहर गया ज़ॉम्बी से मारा जाएगा, अगर नहीं गया तो भी वह मारा जाएगा, इसके लिए वह सुसाइड करने की सोचता है। जैसे ही गले में रस्सी को डालता है वैसे ही उसके बॉडी पर एक लेजर लाइट पड़ती है जो उसे सुसाइड करने के लिए मना करती है। वह बड़ी मुश्किल से वह नीचे गिरता है और अपने सामने कंपार्टमेंट में एक सुंदर लड़की दिखती है, वह इशारे से उसे मना करती है और कल सुबह हम बात करेंगे। अपना हीरो कहता है ठीक है कल बात करेंगे। अब हीरो को जिंदा रहने के लिए कुछ उम्मीद मिल जाती है, वह जाकर सो जाता है। सुबह हीरो बालकनी में उठकर आता है
है तो वह अपना नाम मोबाइल फोन में लिखकर बताता है और उसे बातें करता है। पर उस लड़की के दरवाजे पर आवाज आती है, वह जाकर देखती है तो एक ज़ॉम्बी उसके बनाए प्लान के मुताबिक फंस गया है, वह जाकर उसे मार डालती। और यह लड़की हीरो की तरफ फटू नहीं है और अब बारिश होने लगती, उन्हें पानी पीने का कुछ जुगाड़ हो जाता है पर हीरो के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वह लड़की अपने हीरो के लिए खाने के लिए रस्सी में बांध कर उसके पास फेंकती है, वहाँ तक नहीं पहुँचता वह नीचे गिर जाता है। अब हीरो ड्रोन को लड़की के पास भेजता है, लड़की उसे खाने के लिए कुछ देती है, हीरो उसे अब सॉस से खाता है। वह देखता है कि ज़ॉम्बी नीचे पड़ी रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है, वह रस्सी लड़की के टेबल से बंधी हुई होती है। वह ज़ॉम्बी जैसे ही रस्सी को पकड़कर खींचता है वह टेबल आगे आने लगती है, लड़की टेबल से टकरा जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है, टेबल बालकनी ग्रिल में जाकर फंस जाती है। वह ज़ॉम्बी रस्सी को पकड़कर अब ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है, हीरो यह सब देख रहा होता है। वह लड़की को बचाने के लिए ड्रोन को उड़ाता है और ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए उसके पास भेजता है, पर ज़ॉम्बी ड्रोन को मसल देता है और उसका काम तमाम कर देता है और ज़ॉम्बी बालकनी में पहुंच जाता है। वह लड़की बेहोश में आ जाती है और वो मार डालती है, सभी ज़ॉम्बी अब गुस्से में आ जाते हैं। दूसरे सीन में हीरो के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, वह दूसरे रूम में जाकर खाना ढूंढने लगता है और उसे थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता है और उस रूम से काफी औजार भी मिल जाता है, उसे उठाकर लाने लगता है। तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी छुपा हुआ होता है जो हीरो पर हमला कर देता है, पर हीरो उससे बचकर अपने रूम में आ जाता है और कुछ खाना उस लड़की को भी देता है। और दूसरे सीन में वह ओकी टोकी से बात करते हैं, इस पर उन्हें काफी आवाज बाहर से आ रही होती है, वह जाकर देखता है तो ज़ॉम्बी अब छत पर तेजी से चढ़ने लगे हैं। आज दोनों को खत्म करने के लिए सारे ज़ॉम्बी तेजी से आने लगते हैं। यह देखकर लड़की अपना हथियार लेकर नीचे रस्सी से आ जाती है और एक बहादुर लड़की की तरह सारे ज़ॉम्बी को मारने लगती है। लड़की अकेले होने से ज़ॉम्बी उसे पकड़कर नीचे गिरा देते हैं और ज़ॉम्बी उसे काटने वाले होते हैं, तभी हीरो आकर उसे बचा लेता है और दोनों ज़ॉम्बी से बंधे हुए 8वें फ्लोर पर चले जाते हैं, वहां पर भी ज़ॉम्बी होते हैं। तभी एक आदमी दरवाजा खोलता है और इन दोनों को बचा लेता है और इन्हें खाना खिलाता है और लोग यहाँ रेस्क्यू टीम आने तक यहाँ पर रह सकते हो। इन दोनों को जब रेस्क्यू टीम के बारे में पता चलता है तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, पर अचानक से हीरो बेहोश होने लगता है। अब वह लड़की भी बेहोश होने लगते हैं क्योंकि वह आदमी खाने में बेहोशी की दवा मिलाई होती है और वह आदमी लड़की को बांध कर एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ वह अपने बन चुकी ज़ॉम्बी बेबी को बांध कर रखा है और उसे खाने के लिए लड़की को कमरे में बांध कर रखा होता है। वह आदमी अपने बीबी से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, यहाँ तक कि वह आदमी अपने बच्चे को भी ज़ॉम्बी को खिला दिया था। वह कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से रस्सी को धीरे धीरे छोड़ने लगता है, लड़की के ऊपर हमला कर देती है। अब हीरो को होश आ जाती है तो वह उस आदमी पर गन पॉइंट करता है और रस्सी को खींचने के लिए कहता है, पर अब लड़की ज़ॉम्बी को पकड़कर उस आदमी की तरफ छोड़ देती है। वह आदमी अपनी बेबी ज़ॉम्बी से मारा जाता है, वह दोनों गन को शूट कर देते हैं। अब गोली की आवाज सुनकर वहाँ सारे ज़ॉम्बी 8वें फ्लोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखकर वह लोग सोचते हैं शायद हम लोग अब मारे जाएंगे, खुद को गोली से शूट करने के लिए सोचते हैं। इतने पर बाहर इसी रेस्क्यू टीम की एरोप्लेन आती है। अब दोनों लोग छत पर जाते हैं, जब ज़ॉम्बी भी वहाँ पर आ जाते हैं वह किसी तरह ज़ॉम्बी को रोक कर छत पर चढ़ जाते हैं और मजबूती से दरवाजे को लॉक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी निराश हो जाते हैं, वहाँ पर अब कोई भी एरोप्लेन नहीं है। ज़ॉम्बी भी दरवाजा तोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, हीरो गन से शूट करने लगता है पर ज़ॉम्बी को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते, सारे ज़ॉम्बी इन्हें खाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम वाले आ जाते हैं और इन्हें बचा लेते हैं। इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।